नमस्कार दोस्तों हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है मेरा नाम है विनीत सागर वीकली मॉक क्वेश्चंस फॉर यू प्रीलिम्स लास्ट वीक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन सा है चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर वन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल मीन कम मेरिट स्कॉलरशिप एन एम एम एस एस वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए तीन सेकंड के बाद हम आंसर डिस्कस करेंगे नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी वन एंड थ्री ओल्डली देखिए दोस्तों रीजेंटली एक न्यूज आया था। गवर्नमेंट अप्रूव द कंटिन्यूएशन ऑफ नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप फॉर ए पीरियड ऑफ फाइव ईयर्स तो देखिए आपको नाम से ही पता चल के होगा एक स्कॉलरशिप स्कीम है तो स्टेटमेंट वन क्या लिखा है ओनली स्टूडेंट स्टडी इन स्टेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट एडेड एंड लोकल बॉडी स्कूल्स आर कवर्ड अंडर द ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है प्राइवेट स्कूल्स के जो बच्चे हैं उनके लिए नहीं है इट इस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ये गलत है दोस्तों देखिए इधर आपको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम का फर्क समझना पड़ेगा सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब हंड्रेड परसेंट फंडिंग सेंटर से होगा बेसिकली वो स्कीम सेंटर का है और फंडिंग भी सेंडर से होगा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब स्कीम सेंटर का रहेगा पर इसका जो इंप्लीमेंटेशन है उन्हें स्टेट गवर्नमेंट्स करते हैं इसका जो फंड शेयरिंग है वो भी रेशियो बेसिस पे होता है ठीक है पर हमारा ये जो नेशनल मीनस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम है ये कंप्लीटली सेंट्रल सेक्टर स्कीम है तीसरा क्या है स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड फॉर अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप थ्रू एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाई द स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट तो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से एक एग्जामिनेशन होता है वो जो पास करते हैं उन्हें स्कॉलरशिप मिलता है सो द आंसर इज ऑप्शन सी वन एंड थ्री ओनली क्वेश्चन नंबर टू कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एनडीसी ट्रांसपोर्ट Initiative for Asia and DCTAA. Which of the statements given above is or are correct? Video post कीजिए और आंसर बताइए Now the answer is option A one only. देखिए क्या है NDC Transport Initiative for Asia? ये basically decarbonizing transport policy है इसमें काफी सारे countries included है देखिए दोस्तों गाड़ी से गाड़ी का जो exhaust है उसमें से जो कार्बन निकलते हैं उसके बारे में आपको पता है। तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट सेक्टर में डीकार्बोनाइिंग करने का कुछ पॉलिसी है इस ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव में अब देखिए इट एम्स टू प्रमोट ए कोहरेन स्ट्रेटेजी ऑफ एफेक्टिव पॉलिसीज फॉर डी कार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट तो इसमें केवल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं प्राइवेट सेक्टर से भी कॉन्ट्रीब्यूशन होगा सिविल सोसाइटी से होगा अलग अलग मिनिस्ट्री से भी होगा ठीक है इट इज प्रोग्राम ऑफ सेवन ऑर्गेनाइजेशन दैट विल एंगेज चाइना इंडिया वियतनाम एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो एशिया के अलग अलग कंट्री से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन इसमें शामिल है फिर देखिए हमारे देश में नीति आयोग है इसका इंप्लीमेंटिंग पार्टनर ये भी आप ध्यान दीजिएगा ठीक है सो स्टेटमेंट देखिए इट इज एन एशियन रीज़नल इनिशियेटिव दैट एम्स टू प्रमोट ए कम्प्रेंसिव अप्रोच टू डी कार्बोइ ट्रांसपोर्ट तो डी कार्बोनेज वाला शब्द इधर आया तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दूसरा स्टेटमेंट लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज गलत है दोस्तों मैंने आपको बता दिया नीति आयोग इसका इंप्लीमेंटिंग पार्टनर सो आंसर इज ऑप्शन ए वन ओनली क्वेश्चन नंबर थ्री फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल एफ एस डी सी विच वॉज फॉर्म टू ब्रिंग ग्रेटर कोर्डिनेशन एमंग द फिनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स इज हैडेड बाई वेरी इजी क्वेश्चन वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए द आंसर इज ऑप्शन डी यूनियन फिनेंस मिनिस्टर बहुत न्यूज आया था फिनेंस स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में हमने बहुत बार कवर भी किया है ठीक है अब देखिए ये बेसिकली एक नॉन स्टैटुएटरी अपेक्स काउंसिल है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस तो ये अब ध्यान दीजिएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है दो हजार दस में फॉर्म हुआ था बाई ये एक्सिक्यूटिव ऑर्डर तो कोई स्टैटुएटरी या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है यह ध्यान दीजिएगा इसको चेयर करते फिनेंस मिनिस्टर इसमें क्या है ना दोस्तों जितने भी फिनेंशियल सेक्टर के रेगुलेटर्स हैं ना वो सब मेंबर्स हैं जैसे कि आर बी आई सेबी पेंशन फंड एंड रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स फिनेंस सेक्रेटरी सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर एक्सेट्रा एक्सेट्रा ठीक है तो इसका एक सब कमेटी भी है सब कमेटी का हेड आर बी आई का गवर्नर है राइट सो आंसर इज ऑप्शन डी यूनियन फिनंस मिनिस्टर क्वेश्चन नंबर फोर क्ट वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए आंसर इज ऑप्शन सी मेहता पेंट मोर देन सेवन फिफ्टी पोएम्स इन मराठी ये जो मराठी लिखा है दोस्तों यह गलत है एक्चुअली गुजराती होना चाहिए था देखिए भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी जूनागढ़ डिस्कवर्ड ए न्यू स्पीशीज ऑफ स्पाइडर एंड नेम्ड इट नरसिंह मेहता इन ऑनर ऑफ नरसिंह मेहता तो नरसिंह मेहता का ऑनर में जूनागढ़ में बेसिकली गुजरात में जूनागढ़ में एक न्यू स्पीशीज ऑफ स्पाइडर को डिस्कवर किया गया इसलिए न्यूज में आया था वैसे नरसिंह मेहता फिफ्टीन सेंचुरी का एक पोएट थे लॉर्ड कृष्णा के डिवोटी थे इन्हें आदि कवि मतलब फर्स्ट पोएट मानते हैं एंड भक्त कवि मतलब डिवोट पोएट भी मानते हैं गुजराती लिटरेचर का जूनागढ़ यूनिवर्सिटी जो स्टेट गवर्नमेंट ने सेटअप किया था 2017 में ये यूनिवर्सिटी इन्हीं के नाम पे एक्चुअली इनका नाम जो है यूनिवर्सिटी का नाम फक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी है इनका एक फेमस भजन है वैष्णव तेने कही आप ऐसे कई लोग सुना होगा महात्मा गांधी जी के फेवरेट भजन थे सो द आंसर इस ऑप्शन सी मेहता पेन मोर देन सेवन फिफ्टी इन मराठी ये गलत है गुजराती होना चाहिए था अब देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पी एट आई एयरक्राफ्टीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए नाउ द आंसर ऑप्शन बी टू देखिए पहला क्या लिखा है इट इज ए मीडियम रेंज इधर ही गलत है दोस्तों ये मीडियम रेंज नहीं है लॉन्ग रेंज मर रिकन एंड एंटी सबमरी है इस एयरक्राफ्ट के बारे में एक वीडियो मैंने रिसेंटली किया था तो देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है एयरक्राफ्ट कम्स विद वन ऑफ द मोस्ट एडवांस वेपन सिस्टम इन द वर्ल्ड एंड लाइफ है ठीक है अब ये ये जो एयरक्राफ्ट है फ्लाइट एयरक्राफ्टियन में फ्लाई कर सकता है इंक्लूडिंग एक्सटेंडेड ऑपरेशन कर सकता है आइसिंग एनवायरमेंट्स में मतलब एकदम ठंड वाला जगह में हाई ऑल्टीट्यूड में ये ऑपरेशन कर सकता है ये न्यूज़ में क्या था बोइंग कंपनी इंडियन नेवी के लिए ट्वेल्थ पीएटी एट पेट्रोल एयरक्राफ्ट डिलीवर किया था रीजेंटली सो द आंसर इज ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर सिक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूक्रेन वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी वन टू एंड थ्री वेरी सिंपल क्वेश्चन इट इज द लार्जेस्ट कंट्री इन यूरोप आफ्टर एशिया बिल्कुल सही है रशिया के बाद यूक्रेन सबसे बड़ा है यूक्रेन इज द पोरेस्ट कंट्री इन यूरोप इन टर्म्स ऑफ जी बिल्कुल सही इंडिया यूक्रेन लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इन द एशिया पैसिफिक रीजन देखिए यूक्रेन से सबसे ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट होता है इंडिया में एशिया पैसिफिक रीजन में ये बात भी आपको पता होनी चाहिए देखिए कौन कौन सा आइटम है जो यूक्रेन से इंडिया की तरफ एक्सपोर्ट होता है सनफ्लावर ऑयल इनऑर्गेनिक केमिकल्स आयन एंड स्टील प्लास्टिक्स केमिकल्स एक्सेट्रा और यूक्रेन जो है इंडिया से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इंपोर्ट भी करते हैं राइट अब न्यूज़ में क्यों आया ये बताने की कोई जरूरत नहीं रखता नंबर सेवन देखिए ये पूरे स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए किस स्टेट के बारे में बात हो रही है आप ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश देखिए दोस्तों रिसेंटली स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 रिलीज हुआ था अरुणाचल प्रदेश में सेकंड लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है किस स्टेट के बाद मिजोरम के बाद ये बात आपको पता होगा आप देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए लैंड ऑफ राइसिंग सन लिखा है ये अरुणाचल प्रदेश है बेसिकली ठीक है अरुणाचल प्रदेश का क्लाइमेट के बारे में लिखा है हॉट एंड ह्यूमिड है आल्पेड कोल्ड भी है क्योंकि हाई आल्टीट्यूड रीजन है एंड अरुणाचल प्रदेश का जो ऑफिशियल स्टेट स्टेटमेड है वो हॉर्नबिल है ठीक है सो आंसर इस ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश कुछ डेटा अरुणाचल प्रदेश के बारे में लिखा है आप पढ़ लीजिएगा वीडियो पोस्ट करके वैसे मैं पीडीएफ प्रोवाइड तो करूंगा ही राइट क्वेश्चन नंबर एट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग छत्रपति शिवाजी वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए

अट्ट दिग्गज वेर ग्रुप ऑफ एट मिनिस्टर्स इन द कोर्ट ऑफ कृष्णदेव राय अष्ट दिग्गज कहां के थे कृष्णदेवराया के एट मिनिस्टर्स थे अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कृष्णदेव राय किस डिनास्टी से बिलोंग करते हैं बाकी कुछ डिटेल्स लिखा है दोस्तों पढ़ सकते हो स्टेटमेंट टू के बारे में लिखा है चौथ वॉज इम्पोज ऑन नॉन मराठा टेरिटरीज टू प्रिवेंट रेड बाई शिवाजी फोर्सेस ऑन टेरिटरीज ठीक है तो नॉन मराठा टेरिटरीज के ऊपर इंपोज किया था चौथ जो है स्टेटमेंट थ्री करेक्ट है सरदेश मुखी यह तो आपको पता ही होगा सरदेश मुखी बेसिकली एक एडिशनल लेवी था ऑफ टेन परसेंट राइट्स जो लैंडस के ऊपर मराठा हेरिटरी राइट्स क्लेम करते थे उधर एक एडिशनल लेवी इंपोज करता था टेन परसेंट का उसको सरदेश मुखी बोलते हैं राइट तो देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज का जयंती सेलिब्रेट किया था इसलिए क्वेश्चन आया है तो आंसर इज ऑप्शन ए वन एंड टू ओनली राइट देखिए स्टेटमेंट थ्री में क्या लिखा है सरदेश मुखी इस नाइन टू टेन परसेंट लिविंग ऑन चौथ थ्रू द मराठास क्लेम क्रेडिट रेट ये गलत है मैंने आपको बोला ये लैंड के ऊपर मराठास चार्ज करते थे राइट क्वेश्चन नंबर नाइन मैच द फॉलोइंग पेज एग्रीकल्चर रेवल्यूशन इन इंडिया एंड आइटम प्रोड्यूस्ड वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी ए थ्री एलो ऑयल सीड बी पर्पल फोर एग्स सी फोर ग्रे फोर फर्टिलाइजर्स एंड डी वन सिल्वर फोर एक्स देखिए दोस्तों सारे के बारे में लिखा है ट्वेंटी टन ऑफ ऑइल सीड्स प्रोडक्शन हुआ था पर्पल रेवलेशन में सॉरी पर्पल रेवोल्यूशन में अराउंड फाइव हंड्रेड फार्मर्स अक्रॉस विलेजेस इन दोडा डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू हार्ड इनकम आफ्टर शिफ्टिंग फ्रॉम माइस टू लावेंडर कल्टीवेशन ठीक है तो बेसिकली माइस टू लावेंडर कल्टीवेशन शिफ्ट हुआ था पर्पल रेवोल्यूशन मेंस पॉसिबल ड्यू टू इनिशियटिव टेकन अंडर द अरोन फिर देखिए

डी ए टू सी फोर एंड डी वन क्वेश्चन इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे विच वॉज द दूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस द इनिशियटिव ऑफ तो बेसिकली इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे किसका इनिशियटिव है आपको बताना है वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए बंग्लादेश देखिए इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे हर साल 21 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है तो बेसिकली ये बांग्लादेश का इनिशिएटिव था ये यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस ने 1999 में ऑब्जर्व किया था ये 2000 से ऑब्जर्व हो रहा है यूनेस्को लैंग्वेजेस विदाउट बॉर्डर्स सेलिब्रेट करते हैं ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ठीक है Day, अब हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एलॉन्ग विद अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड लैंग्वेज इंस्टीट्यूशन जो है ये सेलिब्रेट करते हैं हमारे देश में ये मातृभाषा दिवस करके सेलिब्रेट करते हैं राइट सो आंसर इज ऑप्शन ए बांग्लादेश क्वेश्चन नंबर 11 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पीपल ऑर एंटिटीज कैन बी मेड लायबल फॉर ए मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 देखिए अलग-अलग एड्स आते रहते हैं अगर कोई एड्स आपको मिसलीडिंग लगा तो उसके लिए कौन-कौन लायबल -कौन होगा मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर किन-किन के ऊपर चार्ज लग सकता है अगर कोई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करने से वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ़ दी एबो देखिए दोस्तों ये सारे रेस्पॉन्सिबल हैं मैन्युफैक्चर्स ऑफ द प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसीज ओबीओ सेलिब्रिटी एंडोर्स जितने भी सेलिब्रिटीज एड में आते हैं फिर जो पब्लिशर्स है वो भी पूरा डिटेल से लिखा है दोस्तों मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है विच फॉल्सली डिस्क्रिप सच प्रोडक्ट और सर्विस मतलब प्रोडक्ट के बारे में कुछ फॉल्स डिस्क्रिप्शन देना फॉल्स गारंटी देना मतलब प्रोडक्ट के बारे में कुछ गारंटी देते हैं ना कंज्यूमर्स को वो भी फेक रहना फॉल्स रहना फिर कोई एम्प्लॉड रिप्रेजेंटेशन करना मतलब ऐड में कुछ और दिखाना एक्चुअली में और कुछ देना आपको फिर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में कंसिल करके रखना ठीक है तो बाकी डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा ये सारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन टू थाउजेंड में लिखा हुआ है तो ये सारे रेस्पॉसिबल है अगर कोई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करने से आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्री कंसल्टेटिव लेजिस्लेशन पॉलिसी 2014 थाउजेंड फोर्टीन विच आर करेक्ट वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए वन टू वन थ्री ओल्डी देखिए प्री कंसल्टेटिव लेजिस्लेशन पॉलिसी का मतलब क्या होता है द पॉलिसी प्रोवाइड से फोरम फॉर सिटीजनस एंड रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स टू इंटरेक्ट विद पॉलिसी मेकरस जब भी पार्लियामेंट में कोई नया बिल आता है अब देखिए बिल पढ़ने से नॉर्मली किसी को समझ में नहीं आता क्योंकि उसमें काफ़ी सारे ऐसा टफ टर्म्स वगैरह होता है तो इसका एक ड्राफ्ट सबसे पहले ड्राफ्ट वर्शन पब्लिश होता है वो पब्लिक डोमेन में रखते हैं सिटीजन वो पढ़ के अपना कुछ सजेशन्स वगैरह दे सकते हैं तो इसे आप प्री कंसल्टेटिव लेजिस्लेशन पॉलिसी बोल सकते हो ये बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है और इट डस नॉट लीगली मैंडेट टू प्लेस द ड्राफ्ट क्वेश्चन इन पब्लिक डोमेन कोई लीगल मैंडेट नहीं है मतलब ये ड्राफ्ट क्वेश्चन पब्लिक डोमेन में रखने का ये भी आप ध्यान दीजिएगा एंड स्टेटमेंट टू क्या है सही नहीं है ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट मस्ट बी इन द पब्लिक डोमेन फॉर एटलीस्ट थर्टी डेज थर्टी डेज के लिए पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए राइट right? मतलब देखिए आप समझ गए ना कि जब भी कोई बिल लेके आता है कोई भी मिनिस्टर या कोई प्राइवेट मेंबर अब उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें होता है जो लोगों को बताना होता है मतलब देखिए ये जो लॉ बन रहा है वो लोगों के लिए है वेलफेयर के लिए हो सकता है तो उस लॉ में या फिर बिल में क्या क्या लिखा है ये पूरा पब्लिक को बताना पड़ेगा पढ़ने के बाद पब्लिक जो है अपना सजेशंस वगैरह देते हैं इसे आप प्री कंसल्टेटिव लेजिस्लेशन पॉलिसी बोल सकते हो ये एक्चुअली नेशनल एडवाइजरी काउंसिल इन टू एंड नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का रिकमेंडेशन से बना था फिर इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है एक इंस्टीट्यूशनलाइज स्पेस बनाना फॉर पब्लिक पार्टिसिपेशन इन लॉ मेकिंग प्रोसेस तो बेसिकली लॉ मेकिंग प्रोसेस में पब्लिक का भी ट्रांस पब्लिक का भी पार्टिसिपेशन इंश्योर करने का एक प्रोसेस है स्टेटमेंट फॉर बिल्कुल सही है द पॉलिसी ऑल्सो सेज दैट अलॉन्ग विद ड्राफ्ट ए नॉट एक्सप्लेनिंग द लॉ देखिए ड्राफ्ट के साथ साथ एक नोट रखना चाहिए मैंने पहले ही बोल दिया आपको बिल में क्या जो भी लिखा रहता है ना वो आम आदमी को समझ में नहीं आता है तो उनको समझने के लिए एक सिंपल लैंग्वेज में पूरा जो प्रपोजल है ऑब्जेक्टिव है फिनेशियल इंप्लीकेशन है इंपैक्ट ऑन एनवायरमेंट है फंडामेंटल राइट्स है स्टडी ऑन द सोशल एंड फाइनेंशियल कॉस्ट वगैरह लिखना होता है ठीक है अब देखिए आंसर इज ऑप्शन ए वन टू वन थ्री ओनली द पॉलिसी लीगली मैंडेट्स टू प्लेस अ ड्राफ्ट वर्जन ऑफ द बिल्स इन द पब्लिक डोमेन टू ड्राफ्ट बिल मस्ट बी इन पब्लिक डोमेन ऑफ लीस्ट टेन डेज द पॉलिसी वॉज फॉर्मुलेटेड आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ये तीनों गलत है दोस्तों ठीक है क्या पूछा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबो आर नॉट करेक्ट मैंने शायद जब बोला था गलत बोला था विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बोला था सॉरी फॉर दैट एक्चुअली एंड सॉरी क्वेश्चन इज विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट तो आपको समझ में आया होगा ये तीनों स्टेटमेंट गलत है लीगली मैंडेटेड नहीं है पब्लिक डोमेन में तीस दिन तक रखना है फिर ये जो पॉलिसी हुआ था आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल एडवर्सरी काउंसिल एंड नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है अब न्यूज में क्यों आया था यह भी लिखा है गवर्नमेंट टेक्स लीवे स्किप्स प्री लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ऑन बिल्स गवर्नमेंट ने रिसेंटली प्रोसीजर है उसको बाईपास किया था इसलिए न्यूज में आया था क्वेश्चन नंबर थर्टीन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मणिपुरी विच ऑफ दिवन अबो आर करेक्ट वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए आंसर इज ऑप्शन डी ने दन नॉट टू देखिए both संगीत नाटक academy एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर recognize मणिपुरी as वन ऑफ द क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया देखिए वैसे संगीत नाटक अकादमी और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर दोनों मणिपुरी को एस ए क्लासिकल डांस रिकग्नाइज करते हैं संगीत नाटक अकादमी जो है ओनली ए क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया को रिकोगनाइज करते हैं कौन कौन सा भरतनाट्यम कथक कथकली कुपुड़ी मणिपुरी मोहिनी आटम एंड सत्र पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है ये आठ के अलावा छाऊ डांस भी रिकोग्नाइज करते हैं यही फर्क है ठीक है थीके? मतलब देखिए संगीत नाटक अकादमी जितने क्लासिकल डांसर्स को रिकोगनाइज करते हैं वो सारे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भी रिकोगनाइज करते हैं पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है एडिशनली छाऊ डांस को भी एक्सेप्ट करते हैं ठीक है मणिपुरी डांस फॉर्म ट्रेसिस हरोबा ये भी आप ध्यान दीजिएगा ये वैष्णव वैष्णव इिसम से भी रिलेटेड तो तो है अब स्टेटमेंट्स क्या क्या है ंगीत नाटक अकाडमी रिकॉग्नाइजेज मणिपुरी एज वन ऑफ द क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया बट नॉट द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर बिल्कुल गलत दोनों करते हैं सेंट्रल थीम ऑफ द डांस रिवाल्स अराउंड द स्टोरी ऑफ लोड शिवा देखिए लोड शिवा मतलब वो हो गया इधर हमें वैष्णविसम है ठीक है तो यह स्टेटमेंट भी गलत है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोला बेयर वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए आंसर इज ऑप्शन ए वन ओडली स्टेटमेंट टू गलत है पहला स्टेटमेंट इट इज़ एन आर्बोरियल मासुपियल एंडेमिक टू ऑस्ट्रेलिया हुज पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग ड्यू टू बुशफेज देखिए आप सबको पता होगा कोला बेयर जो है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के लिए एंडेमिक है और ये आर्बोरियल है आर्बोरियल मतलब ये मैक्सिमम टाइम पेट के ऊपर बिताते हैं और ये स्लो मूविंग एनिमल है बहुत लेजी एनिमल है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा खाता है यूकेलेप्ट लीव्स एंड ये जो यूकेलेप्ट लीव्स है इसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी है इस वजह से इनके शरीर में एनर्जी कम रहता है एक दिन में अठारह घंटे ये सोते रहते हैं ठीक है अब देखिए स्टेटमेंट टू क्या कह रहा है स्टेटस ऑफ कोला बेयर इज एंड अंडर द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज आप देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कोला बेयर का जो कंजर्वेशन स्टेटस है वो वर्ल्नरबल से एंडेंजर्ड किया था पर ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने किया है पर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का स्टेटस जो है ये अभी भी वर्ल्नरबल है या ध्यान दीजिएगा ठीक है हो सकता है आने वाले टाइम पे टाइमसीन में भी उसे अपग्रेड करें अभी के लिए तो आयुसिन के हिसाब से वर्ल्ड है सो आंसर इज ऑप्शन ए वन ओनली रिजेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाया था कोला बेयर के बारे में हमारे चैनल में अवेलेबल है काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है लास्ट क्वेश्चन कंसिडर द्व रिगार्डिंग द सिटी ऑफ खर्सन वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी टू ओनली स्टेटमेंट वन एंड थ्री गलत है देखिए खर्सन जो है एक इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी है इन द साउथ ऑफ यूक्रेन ये मैप आप देखिए ये यूक्रेन का मैप है यूक्रेन का सथेन साइड में आपको दिख रहा है Kherson. एक इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी है और ये नीपो रिवर में लोकेटेड है जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है है दोस्तों ये नीपो नीपो रिवर नीपो रिवर जो है ब्लैक सी से आके मिलते हैं अब ब्लैक सी एक ऐसा वाटर बॉडी है जो छह कंट्री से अपना बॉर्डर शेयर करता है कौन कौन सा है कंट्रीज रशिया यूक्रेन टर्की बल्गेरिया रोमेनिया एंड जॉर्जिया राइट right. अब इसमें से नाटो मेंबर्स कौन कौन से कंट्री है टर्की बल्गेरिया एंड रोमेनिया यूक्रेन एंड जॉर्जिया जो है नाटो करना चाहते हैं यह बात आपको पता है ठीक है so, सो हमारा स्टेटमेंट देखिए इट इज अ पोर्टल सिटी लोकेटेड इन द वेस्ट ऑफ यूक्रेन गलत है इट इज सिचुएटेड ऑन द द रिवर दैट फ्लोस ब्लैक सी बिल्कुल सही है अपार्ट फ्रॉम रशिया एंड यूक्रेन ऑल द कंट्रीज द ब्लैक सी आर मेंबर्स ऑफ नाटो गलत है दोस्तों ठीक है मेंबर्स नहीं है रशिया यूक्रेन तो मेंबर्स है ही नहीं इसके अलावा ब्लैक सी के जितने बॉर्डरिंग कंट्रीज है वो भी मेंबर्स नहीं है क्योंकि जॉर्जिया और जॉर्जिया है जो मेंबर नहीं है यह बात आपको पता होनी चाहिए सो आंसर इस ऑप्शन बी टू ओनली तो दोस्तों दैट सेंड ऑफ इट आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा लक्ष्य की पी डी एफ ऐसूशल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है थैंक यू फॉर वॉचिंग बाई बाई हैव न एस्ट डे